पार्लियामेंट में जाति को लेकर के बात हो रही है, कभी नेता बड़े गर्व से अपनी जाति बताते हैं और कभी जाति पूछने पर आपत्ति होती है, क्या है? ये सवाल ही बहुत उल्टा है आपका। आप मुझे बताइए, जाति आप किसी की कैसे पूछ सकते हैं? क्या मकसद है आपका? बाहर ठेले वाले को आप कहते हैं नेम प्लेट लगाओ, अपनी जाति बताओ। अगर वहां जाटव ढाबा लिखा रहेगा, वाल्मीकि ढाबा लिखा रहेगा, तो वहां तोड़फोड़ करनी है, वहां हंगामा करना है, वहां कोई नहीं खाने जाएगा। मुसलमान का ढाबा है, उसका बहिष्कार करना है। और संसद के अंदर अपनी जाति बताओ। तो अनुराग ठाकुर जो एक गोली मारो छाप नेता है, उनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये देश 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। किसी गलतफहमी में मत रहना कि आप इसको जाति धर्म के नाम पे बांट पाओगे। हां, जो समाज की वंचित जातियां हैं, शोषित जातियां हैं, जिनको उनका अधिकार नहीं मिला, उनकी लड़ाई एक नहीं 1000 बार लड़ेंगे। अगर जातीय जनगणना का मुद्दा हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में इतना दर्द हो जाता है, सबको अपमानित करने पर उतारू हो जाते हैं, क्यों भागते हो भाई जातीय जनगणना से? अगर इस देश में यह पता चल जाएगा कि पिछड़ा वर्ग के लोगों की कितनी संख्या है, दलितों की कितनी संख्या है, आदिवासियों की कितनी संख्या है, मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की कितनी संख्या है, बौद्धिस्टों की कितनी संख्या है, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एक ही है कि उनका अधिकार देना पड़ेगा। और जो नागपुर बैठा हुआ है, जिस आरएसएस का प्रमुख आज तक ना कोई दलित हुआ, ना पिछड़ा हुआ, ना आदिवासी हुआ, एक प्रमुख का नाम बता दीजिए 100 साल में, एक आरएसएस का प्रमुख बताइए। और भारतीय जनता पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ के एक एक आप बता दीजिए जो कोई दूसरे समाज से आया हो। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जाति, नफरत, घृणा ये फैलाना और ये पूछना भाजपा के नस नस में बसा हुआ है। ये जाति पूछ के ही काम करते हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास था, मोहन भागवत जी बुलाए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल गई। लेकिन जब प्रधानमंत्री गए तो तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी नहीं गए। क्यों? क्योंकि भाजपाइयों ने उनसे पूछा जाति क्या है, बोले हम तो दलित समाज से आते, बोले नहीं, नॉट अलाउड, आप मंदिर के शिलान्यास में नहीं आ सकते। बताएं अनुराग ठाकुर और उनकी पार्टी कि तत्कालीन देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में क्यों नहीं बुलाया गया? प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन था, फिर भागवत जी गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल गई। मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। क्यों? पूछा जाति क्या है, बोले आदिवासी, बोले नहीं, नॉट अलाउड। यह है मानसिकता बीजेपी की, यह है मानसिकता बीजेपी की। इनके मन में घृणा और नफरत इतनी भरी हुई है, ये जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं, वंचित वर्गों को उसका अधिकार नहीं देना चाहते, पिछड़ों को उसका अधिकार नहीं देना चाहते, लेकिन बांटना चाहते हैं समाज को। और छोड़ दीजिए, आप इससे आगे बढ़िए, देश की संसद, राज्यसभा, लोकसभा महामहिम राष्ट्रपति से पूरी होती है। और जब नई संसद का उद्घाटन हुआ, देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं, नई संसद का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से नहीं कराया गया। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती है। और आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, घर खाली किया तो गंगा जल से घर धुलवाया,
और अपनी पत्नी के साथ कन्नौज में मंदिर में दर्शन करने चले गए तो भाजपाइयों ने मंदिर को गंगा जल से धुला। ये मानसिकता है बीजेपी। इसलिए अनुराग ठाकुर जो बोल रहा है वो भाजपा की मानसिकता है। वैसे वो गोली मारो छाप नेता है, उसके बारे में ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने अपनी पार्टी की मानसिकता को प्रदर्शित किया। यही मानसिकता है उसकी पार्टी की।